ऑल राइट गाइज, वेलकम हो गया आप सभी का फिर से एक और गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं स्ट्रे, जिसके अंदर एक कैट है जो कि आ चुकी है एक डेड सिटी के अंदर। तो वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक गेम है जिसके अंदर सारे रोबोट वगैरह हैं और कोई नहीं होता। ये क्या करने लग रही है भाई मेरी कैट? चल खुजली वगैरह मच रही होगी, इसको खुजाने लग रही है, इसको खुजाने दो। इसके अंदर बहुत सारे रोबोट हैं, हमारे ये जो बैक पैक लग रहा है पीछे, इसके अंदर भी एक रोबोट है, इसका नाम है P12 नाम है शायद। तो भाई यहाँ से अब अपना स्टार्ट करते हैं मेन गेम। ये एक ऐसी कैट है भाई, ये कहीं भी जा सकती है। क्यों से क्या करेगी? ओ हाँ लेट्स गो भाई, ये इसका नाम है B12, ये रोबोट अपने साथ ही है भाई अब तो। अच्छा है भाई, अब कोई ना कोई तो अपने साथ ही है तो बढ़िया ही है। लेट्स गो, इसका ओपन करना है, सिलेक्ट की, ये तो ओपन हो गया क्योंकि एक तरह से ये की है अपनी जिससे हम गेट वगैरह खोल सकते हैं। यहाँ जाने के लिए अपने को कोड चाहिए, तो कोड ऐसा करो, रुक जा भाई पीछे आ। ओ फुल RGB चल रहा भाई बैकपैक में, तो मस्त RGB बैग है। और ये क्या है भाई इधर? मेरे को लाइट जलानी पड़ेगी फिर से। लेट्स ट्राई द मेन डोर, आई शुड बी एबल टू गेट इट ओपन। ओके भाई लाइट तो जला दे अपनी, लाइट किससे जलाएगी ये? मैं तो लाइट जलाने ही भूल गया भाई, किससे जलाती थी ये? इसकी मेमोरी सारी डिलीट हो चुकी है, पता नहीं या तो उस साइंटिस्ट ने इसकी मेमोरी डिलीट कर दी। ओके यहाँ पर टॉर्च जल चुकी है, अब यहाँ पर हमें कोड ढूंढना है कोई। कोड इधर ही है शायद, उधर लिखा हुआ था, इधर ही कोड ढूंढना है। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये इधर भी तो हो सकता है। ये कैसा, ये इधर से तो इतना दिखाई नहीं दे रहा कि मैं जूम भी कर सकता हूँ इधर से, लेकिन जूम करके तो बिल्कुल ब्लर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इधर कोड है ना, वो लेट्स गो इधर चढ़ना पड़ेगा मेरे को। 3748 यही कोड है ना, इसको गिरा देता हूँ मैं, गिराने में अलग ही मज़ा आता है भाई। ये लो, ये भी पेंट भी फैला दिया पूरा, इस कैट के पैर पेंट में नहीं हुए, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं कोड डालता हूँ जल्दी से, 3748। अरे इधर हो ना। ओके यहाँ पर अपना गेट भी ओपन हो चुका है, तो इधर क्यू से ओपन करना है इसको। ओके यहाँ पर गेट ओपन हो गया है और बाहर निकल चुके हैं भाई हम तो। वाओ लुक एट दिस प्लेस। अच्छा ये इस रोबोट के अंदर भी फीलिंग वगैरह है शायद। द एलिवेटर इन द डिस्टेंस दैट इम्पोर्टेंट आई थिंक। ओके आई नो वी नीड टू गो अप। चल बेटा इधर से, ये एलिवेटर टाइप का है, मतलब बाल्टी के अंदर एलिवेटर बना दिया और इधर से हम आगे जाएंगे। और ये यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये लाइटिंग सी लगी हुई है भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा। ये वही चीज़ तो नहीं है जो अपने पीछे लग गई थी? हो भी सकता है भाई। भाई एलिवेटर आने से पहले मैं कूद गया, चलो कोई नहीं। और ये क्या अंधेरा हो गया? अच्छा सिनेमैटिक चालू हो गया, मुझे लगा भाई एकदम से अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वेट आई रिमेंबर द आउटसाइड। ओके आई प्रोमिस समवन आई वुड गो देयर प्रोमिस्ड हु। ठीक है चेक कर, टेक इट, इसको पिकअप कर लिया है, अभी आप इन्वेंट्री में रहेगा। गेन व्यू आइटम। ओके तो भाई जैसे ही ये वाले जो मतलब कार्ड आते हैं ना, इनसे अपनी मेमोरी आएगी, मतलब ये जो रोबोट है इसकी मेमोरी आ सकती है इनसे। एक शायद कलेक्ट कर लिया है, कहाँ गया, इन्वेंट्री में, ये रहा पोस्ट कार्ड, इससे इसकी एक मेमोरी आ चुकी है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इस रोबोट की मेमोरी आती जाएगी। तो जैसे कि ये सारे जितने भी सारे हैं ना, इसमें सबों में मेमोरी है, किसी में है किसी में नहीं, यानी किसी में नहीं है भाई, बिल्कुल मेमोरी इसकी जा चुकी है। अभी 3% मेमोरी आई है। चेकिंग डाटा करप्ट। ओके पूरा डाटा इसका करप्ट हो गया रोबोट का, चलो कोई नहीं, आगे चल के वो भी हो जाएगा। ये रोबोट भी भाई आगे निकल सकता है। चल भाई कहाँ जाना है इसके ऊपर? चलो अब जाना है इधर। कहाँ जाना है? चल ये आवाज़ भाई एकदम जैसे रियल कैट करती है ना, बिल्कुल वैसी करती है। इधर कुछ ऑप्शन आ रहा था इसके ऊपर जाने का, इसके ऊपर से भी तो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ एलिवेटर है ना भाई, ट्रांसलेट कर सकता हूँ मैं। सेफ जोन, तो ये अच्छा है भाई, यहाँ पर सेफ जोन है। ओके तो चल भाई अपने बैग में ही घुस जा। ओ मैंने बोला था ना यहाँ पर ये सारे बहुत सारे हैं भाई। ओ ये तो भाई आ ही रहे हैं भाई इधर, ये कहाँ गए? ओ तेरी, ओ शिट भाई मार दिया इन्होंने तो मेरे को, भाई मार दिया इन्होंने तो, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया।
लेकिन चलो इस बार मैं करूँगा। यहाँ पर भाई बहुत सारे हैं, ये पीछे लग जाएंगे अपने, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब रास्ता मेरे को नहीं पता किधर जाए। ओह ये तो जंप भी मारते हैं भाई। रास्ता रास्ता रास्ता, ओके ओके छड़ जा भाई जल्दी निकल यहाँ से तू। भाई बिल्कुल पीछे लग गए थे वो अपने। ओ शिट ये रोबोट, ये क्या डर रहा है? और इसने कोई सेंसर बजा दिया है, इसने ये बजा दिया है। ओ ये रहा, ये डर रहा है अपने से, अपनी कैट से इसको थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। कहाँ गया ये कैट? तो भाई कैट नहीं डर रही, बल्कि कैट को डर लगना चाहिए। ओ ये रहे और सारे रोबोट हैं, मतलब यहाँ पर मैं समझ रहा कि यहाँ पर कोई ज़िंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे रोबोट ज़िंदा हैं। ओके भाई ये म्यूज़िक बहुत देर तक चल रहा है। अरे एक ये रहा रोबोट, मेरे को तो अंदर आने थे भाई। यहाँ पर बहुत सारे रोबोट भी हैं, अभी एक रोबोट सामने है, एक ये भागता हुआ आ रहा है। ये भाई इनकी हालत ख़राब हो रही है, ये बहुत डर रहे हैं रोबोट। और ये नहीं डर रहा भाई अपने से, ये जानता है भाई, सब जानता है। जैसे हर एक स्टोरी में एक बाबा होता है जो कि सब जानता है, वैसे ही ये एक बाबा है, रोबोट वाला बाबा जो कि सब जानता है। दे सीम टू हैव देयर ओन लैंग्वेज। ओके तो ये कह रहा है कि तुम्हारा हमारे विलेज में आपका हार्दिक स्वागत है, लेकिन किसी को खाना वगैरह मत, ये लोग तुमसे डर रहे हैं, लेकिन इनको कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो भाई ये वैसे बिल्ली अपनी डरी हुई है लोगों से, तो ये क्या नुकसान पहुंचाएगी। ओके तो शायद अब ये जो रोबोट है इसने सबको बोल दिया है कि सब बाहर आ जाओ, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेगी तुमको। तो सारे रोबोट बाहर आ रहे हैं, तो भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बिल्ली से। ओ लेट्स गो भाई, अब अपनी इन रोबोटों से भी दोस्ती हो चुकी है। तो चल भाई और कुछ बातचीत हो। यू लुक लॉस्ट, व्हाट डू यू नीड। तो यहाँ पर ये नियॉन साइन दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इसी के पास जाना है हमें। इस गार्डियन ने बोला है कि ये जो ऑरेंज कलर का नियॉन कलर का साइन दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें जाना है। और यहाँ पर एक मोमो रहता है, मोमो पता नहीं, शायद वो भी रोबोट ही होगा या कोई आदमी हो सकता है, पता नहीं मुझे। होगा तो रोबोट ही भाई, सब रोबोट हैं यहाँ पर, तो रोबोट ही होगा। यहाँ पर उससे बात करनी है, तो इधर से चढ़ जा भाई इसके ऊपर, इधर से तो इधर से ही जाएगा ना। ओके अब इधर जाना है। नहीं 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 नहीं, लो भाई मैं नीचे ही उतर गया। तो दोबारा चढ़, इधर इधर से चल ऊपर। ये जो नियॉन साइन है, इधर जाना है अपने को, लेट्स गो। अब भाई कोई डर नहीं रहा रोबोट अपने से, एक क्या काम करने लग रहे हैं। एक रोबोट यहाँ पर लेटा हुआ है भाई, इससे बात करूँ क्या? चलो इससे बात करते हैं भाई, इनसे बात करके कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, फालतू की बातें कर रहे हैं, इनको कुछ पता वता नहीं है, ये बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बस मौज काट रहे हैं भाई। ये भी इसके अंदर जाना है, इधर तो लॉक लग रहा है यार। अच्छा ऊपर से जा सकता हूँ मैं, इधर खिड़की है। एक ये रहा रोबोट, शायद यही मोमो है, ये अलग ही रोबोट है, इसके तो RGB लाइट लगी हुई है भाई एकदम फेस के अंदर। चल जल्दी से इससे बात कर, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क। ओके व्हाई डिड आई लेट देम गो, आई एम नॉट अलोन नाउ। हे यू व्हाट डू यू वांट, चलो जो हमें पिक्चर मिली थी पोस्ट कार्ड वो इसको दिखाना है। दिस पिक्चर ऑफ द आउटसाइड टू, डू यू वांट टू गो देयर। यस भाई अपने को जाना है उधर। वेल डोंट ब्रदर, इट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि उधर जाना भाई तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है, तो कोई इसको छोड़ो जाना वहाँ पर। माय फ्रेंड हैड इज ड्रीम टू, बट नाउ दे आर गोन एंड आई एम ऑल अलोन। तो मतलब इसका फ्रेंड भी उस जगह जाना चाहता था, लेकिन वो भी मर गया और ये अकेला हो गया। ये उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ट्रांसमीटर है पता नहीं क्या है, वो काम ही नहीं कर रहा भाई, वर्क ही नहीं कर रहा बिल्कुल। केस ने हमें एक और आइटम दिया है, इससे भी बातचीत हो चुकी है अपनी। तो मोमो सीम वेरी सैड,
मतलब ये बहुत सैड है भाई, इसका दोस्त वगैरह मिसिंग हो गया है, मिल नहीं रहा, वो उसी जगह गया था, पता नहीं कहाँ जगह गया, लेकिन उसका ड्रीम था उस जगह जाने का। लेट मी चेक द नोटबुक ही हैव गिव, इस मोमो ने अपने को एक नोटबुक दी है, पता नहीं उसके अंदर क्या है। एक बार इधर ट्रांसलेट कर रहा है, क्या है, आउटसाइडर, ओके चल भाई, इससे क्यू को मैं बंद कर सकता हूँ, बस बंद हो जा भाई, वो चेंज कर दिया मैंने, इधर से क्यू से क्या कर सकता हूँ। ओ ये बढ़िया भाई, इसने ये पहन लिया, इसको मैं उतार नहीं सकता क्या, अरे भाई इससे तो भाई इससे अनकंट्रोल हो रही है। अच्छा अच्छा निकाल दिया निकाल दिया, ये भाई इससे अनकंट्रोल हो रही थी, मैं कह रहा यार ये चल क्यों नहीं रही है, मुझे लगा ये इसका कोई वो होगा। इधर से स्पेस कुछ है और चीज़ खाने पीने के लिए हो भाई इस कैट के लिए, इस वैसे ही कैट ने कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा अपने को। ओ रिमेम्बर, एक और चीज़ मिल चुकी है अपने को यहाँ पर, ये क्या, ब्लैक होम टू, आई रिमेम्बर दिस वीडियो गेम, ओके ये वीडियो गेम है कोई, ओके यहाँ पर इसकी एक और मेमोरी आ चुकी है, जिसके अंदर ये वाला जो ब्लैक होम टू गेम है ये इसने बनाया था, और ये कह रही थी मैं भाई उस गेम को बहुत खेलती थी, उस गेम को भी भाई बहुत मिस करा मैंने। तो चलो यहाँ पर अपनी 60% मेमोरी आ चुकी है, द सिंबल ऑफ द वॉल मैच द वन ऑन द नोटबुक, तो मुझे नोटबुक खोलनी पड़ेगी, ये वाला सिंबल ये शायद नोटबुक के अंदर है, दैट सीम लाइक अ लीड, ओके ओ यस, नोटबुक के ऊपर ही जो फ्रंट पेज पे जो शाइन है वो सामने ही है, तो चलो ओके। तो फिर से मैं एक और रूम के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर से जाना पड़ेगा आगे, और भाई यहाँ पर एक और कंप्यूटर है शायद, वो कुछ कलेक्ट करा है भाई इसने डिटेल में, द आउटसाइडर नोटबुक इज़ द सेम लोगो एज द मन मोमो गेव अस। एक और नोटबुक मिल चुकी है अपने को, ये जो है पता नहीं कौन सी है, दूसरी नोटबुक मिली है, चलो तो अपनी इन्वेंट्री में ही रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं, तो यहाँ पर बेड है, अगर तेरे को सोना है तो सो जा, क्योंकि तू बहुत दिनों से सोई भी नहीं है, चलो कोई नहीं, यहाँ से बाहर ही निकलना पड़ेगा। इधर एक और चीज़ है, टेक अ शीट म्यूज़िक, ले भाई कलेक्ट कर लिया, और अच्छा वहाँ पर गेट है ना, ये गेट को ओपन करना है, अबे क्या कर रही है मुझे लगा इस गेट को ओपन करेगी ये, इट्स प्रोबली नथिंग, अभी तो ये वाला साइन था, अब शायद एक और साइन मिला था जो ग्रीन वाला, उधर जाना पड़े, मैं नीचे जा रहा हूँ भाई अब, ओके आई थिंक द आउटसाइड सेम टू लीव, अब शायद आगे जाना है, अगर इससे कुछ पूछूं, अगर इसको कुछ पता हो तो, ये जो अपने पास बहुत सारी कुछ मेमोरी है उससे पूछता हूँ, अगर तेरे को ये वाली वो चीज़ मालूम हो तो भाई मैं इसको दिखा देता हूँ, ये ले वाली, ये भी भाई ये कह रहा है कि मोमो के पास जाओ, तो मैं उधर से ही कुछ ना कुछ पता लगेगा, भाई मोमो से बात करके आ गए, उसने बताया कि तुम वहाँ पर मत जाओ क्योंकि वहाँ एरिया बहुत बेकार है, तुम बच नहीं पाओगे, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं भाई, मैं भी सो जाऊँ क्या, ये सो रहे हैं, चलो सोने दो, परेशान नहीं करने का उनको, क्या फ़ायदा भाई अपने को मारने लग जाए, वैसे डरते हैं ये अपने से। ओ भाई यहाँ पर भिखारी रोबोट भी है, ये क्या है क्यों, अरे ये तो भाई अटक जाता है तो ये अनकंट्रोल हो जाती है कैट, इधर से जा सकता हूँ क्या मैं, इधर कुछ है, ये भी कलेक्ट कर लिया, ओ इसका कोड, कोड ढूंढना पड़ेगा, इसका कोड यहीं कहीं आसपास होगा शायद, 0548, नहीं ये वाला नहीं हो सकता, कोड लिखा है क्या कहीं पर, ओ ये कुछ बजा रहा है भाई, काफ़ी अच्छा बजा रहा है, चल तू बजाता रहे मस्त, अपना इंजॉयमेंट कर, मैं यहाँ से निकलता हूँ, शायद इसको पता हो ये कुछ इंटेलिजेंट लग रहा है भाई, कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है पेड़ों में, तो ऐसा कर तू भाई, मेरे को जल्दी बता, अमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये रहा पासवर्ड, सेफ मिस्ट्री पासवर्ड, ओ ये सेफ मिस्ट्री पासवर्ड है, अच्छा ये मेरे पास पासवर्ड है लेकिन
इसको पढ़ने वाला चाहिए भाई। ले भाई तू ही बता दे यार तेरा नाम क्या। जॉरिश नाम है इसका, इसको भी नहीं पता होगी भाई। भाई रियल गीक कौन है भाई। यहाँ पर और रास्ता है, मैं इधर जा सकता हूँ क्या? यहाँ पर एक और है भाई रोबोट। ओ ये बुला रहा है अपने को। इलेक्ट्रिक केबल, इससे क्या करूँगा मैं? हेलो आई एम द मर्चेंट ऑफ मार्केट। तो मुझे लग रहा भाई इससे हम ये केबल वगैरह सब खरीद सकते हैं। आई विल कॉस्ट यू 3 एनर्जी ड्रिंक। भाई इसके लिए 3 एनर्जी ड्रिंक मांग रहा है, तो 3 एनर्जी ड्रिंक कहाँ से लाऊं मैं इसके लिए? भाई मेरे पास नहीं है 3 एनर्जी ड्रिंक। और ये क्या चीज़ है? द म्यूजिक सीट। ओके ये म्यूजिक सीट ले ले तो उसको दे दे भाई बंदे को, वो सीख लेगा कुछ। 1 एनर्जी ड्रिंक चाहिए इसके लिए। एनर्जी ड्रिंक कहाँ पर मिलेगी? मुझे चाहिए लेकिन उस बंदे के लिए चाहिए बेचारा, वो बैठा हुआ है वहाँ पर, दे दो उसको। कुछ ना कुछ तो करता रहेगा, थोड़ा अपसेट है लेकिन इसको देख के, म्यूजिक सीट को देख के खुश हो जाएगा। ये क्या लिख रहा है इसके ऊपर? 1283 और 0 love 7। ये क्या लिख रहा है? शायद इसका पासवर्ड 1283 हो, मतलब उसका। पर कहाँ गया वो चीज़, किधर थी? चल भाई क्या हो गया, इधर ही थी ना शायद वो। एक बार मैं जल्दी से जाता हूँ। ये रहा 1 2 8 और 3। ओ लेट्स गो भाई, ये सच में उसका पासवर्ड निकला। ये रे म्यूजिक सीट, इसके अंदर भी म्यूजिक सीट थी भाई। इसे क्या होगा, मैं म्यूजिक से क्या करूँगा मैं? इतनी देर चिंदी चोरी करवाने के बाद म्यूजिक शीट दिया। ओ थैंक यू फॉर दैट म्यूजिक, आई विल द प्रैक्टिस। ओके अब ये बजाएगा, चल भाई बजा। काफ़ी अच्छी बजा रहा भाई ये, मतलब ये अच्छा है। सभी अच्छे भाई रोबोट हैं यहाँ पर। ले सो जा, अब तू सो सकती है, थोड़ा मस्त सो जा यहाँ पर। भाई अपनी कैट ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके इसको एक शीट दे दी है, मतलब म्यूजिक शीट्स दे दी हैं, जिससे म्यूजिक बजा सकती है भाई। ये भी अपना इसको गाने वगैरह पता नहीं थे लेकिन हाँ बजाता रहता था ये। चल भाई तेरे को शीट दे दी, अब तू बजाता रहे जैसे भी गाने। बस सो लिया ना, बहुत है, ज़्यादा सोना भी सेहत के लिए हानिकारक है, तो इतना मत सो। अब वो बजाता रहेगा भाई, क्या मस्त बजा रहा है ना। अब मुझे यहाँ से आगे निकलना है। अब आगे निकलने का रास्ता किधर है? अब इसके लिए भाई वो कहाँ से लाऊँ मैं? क्या ढूंढने लग रहे हैं भाई, मुझे भी बता दो भाई क्या ढूंढ रहे तुम? ग्रैंड माँ, ओके। इसको इलेक्ट्रिक केबल चाहिए भाई, मेरे को सबकी मदद करनी पड़ेगी क्या यहाँ पर? और तुझे क्या चाहिए भाई? उठ तेरी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये अपनी आप गिरा है। क्या हो गया ग्रैंड पा जी? ये वो ग्रैंड माँ है, ग्रैंड पा है। ले भाई ये तो गिरे जा रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रही है क्या करने लग रहा है। ये कैसे उदास सा बैठा हुआ है यहाँ पर? एग्जाम टू रजिस्टर टुमारो, इसको भी कुछ नहीं पता है भाई। ओ यहाँ पर शायद मेरे को नया रास्ता, ओ ये रही ना, ये रहा भाई कैन का। चलो भाई जल्दी से, मतलब इसको पता है, एक ही कैन मिली है इससे तो। लो भाई ये रख लिए मैंने, और दे दे यार। ओ, 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 वैसे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कैन चाहिए थी। ये क्या हुआ, एक और इसको मेमोरी आ चुकी है, तो यहाँ पर अपनी 11% मेमोरी कलेक्ट हो गई है। केबल चाहिए ना, मैं इलेक्ट्रिक केबल लेता हूँ। उस ग्रैंड माँ को चाहिए तो मैं उसको दे देता हूँ, उसको म्यूजिक सीट चाहिए थी तो मैंने उसको दे दिया, अब ग्रैंड माँ को दे देता हूँ इलेक्ट्रिक केबल। तो इसके लिए क्या चाहिए मेरे को? सुपर स्प्रेड डिटर्जेंट, इसके लिए डिटर्जेंट चाहिए। तो मुझे लगा ये कैन चाहिए, तो कैन से तो नहीं ले रहा था, डिटर्जेंट कहाँ से लाऊं मैं अब भाई? डिटर्जेंट चलो आगे देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं तो हो गई भाई, इसके अंदर ही हो सकता है भाई, कहीं ना कहीं तो होने को। तो चल इसके ऊपर चढ़ जा, ये चीज़ साफ भी तो करता होगा ना, तो किस चीज़ से करता है भाई? डिटर्जेंट से ही करता होगा। वो यहाँ पर एक और चेंज म्यूजिक, भाई म्यूजिक लगा दिया मैंने यहाँ पर मस्त, अब ये अपना सुनता रहेंगे म्यूजिक। भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब पैटी करे जा रही है भाई सब। यार मिल जाए यार, कहाँ पर है डिटर्जेंट पाउडर, अपना डिटर्जेंट वगैरह। यहाँ पर एक और रोबोट है, कार नाम है इसका, कार।
भाई इसको कुछ नहीं पता। तो भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या है, लेकिन मैं बहुत चीज मिस कर रहा हूँ। अभी मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया है इसको खेलते खेलते, काफ़ी देर लग रही है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। और आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। सबसे पहले तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख तो रहे हो कम से कम भाई, सब्सक्राइब तो कर दो यार प्लीज़ भाई। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।